पल पारिक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज जानते कुछ नया, कुछ अनोखा और क्या विभागीय दिनचर्या है इसके बारे में हमारे साथ। राज्य व केंद्र सरकार जहां गांवों को कैशलेस बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, नोटबंदी के बाद गांवों में जागरूकता रथ चलाकर लोगों को कैशलेस के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं बैंकों की बिगड़ी व्यवस्थाएँ आज सरकार के इस कैशलेस अभियान को धूमिल साबित कर रहे हैं। गाँव हो या शहर हो, अभी तक भी बैंकों में कैशलेस के संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किए हुए महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक भी लोगों को कैशलेस संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महीनों बाद भी बैंकों में आवेदन दिए होने के बाद भी लोगों को कैशलेस के लिए पोस्ट मशीनें नहीं मिल पा रही है, ऐसे में व्यापार संकट गहराता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार का नोटबंदी का निर्णय बहुत सराहनीय है, लेकिन बैंकों की बिगड़ी व्यवस्थाएं अभियान को धूमिल कर रही है। आइए नोटबंदी के बारे में और कैशलेस जागरूकता के बारे में क्या बैंकों की प्रतिक्रिया है, क्या लोगों के विचार है, जानते हैं। व्यापार महासंघ अध्यक्ष सिमलिया, अब आइए जानते हैं एक दुकानदार से कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है कैशलेस के बारे में, कैसे उसने क्या किया, आइए देखते हैं। नोटबंदी के बारे में हमारा कहना ये है कि नोटबंदी का कार्य सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी का जो ये कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बाकी इसे हम व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नहीं आनी चाहिए थी। बहुत सारा समय निकलने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पे व्यापार संघ अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे व्यापारियों की समस्याएं रोज़ आती है। हमने लगभग एक महीने पहले बैंकों को आवेदन दिया था पोस्ट मशीन के लिए, जो अभी तक मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार महासंघ अध्यक्ष सिमलिया, अब आइए जानते हैं एक दुकानदार से कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है कैशलेस के बारे में, कैसे उसने क्या किया, आइए देखते हैं। प्रतिक्रिया से काले धन पे लगाम लगेगी और इसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में सभी को नज़र आएंगे। परंतु फिर भी जो व्यवहारिक रूप से जो पब्लिक को जो दिक्कत आ रही है, जैसे हम व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, पोस्ट मशीन के लिए आवेदन करे हुए एक एक महीना हो गया, अभी तक पोस्ट मशीन नहीं दी जा रही है, बैंकों की तरफ से थोड़ा ढिलाई बढ़ती जा रही है, इससे पब्लिक परेशान हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि कैशलेस के लिए जरूरी जो इक्विपमेंट है उनको तुरंत से तुरंत व्यापारियों तक पहुँचाए, ताकि पब्लिक को और व्यापारियों को दोनों को राहत मिल सके। जाना व्यापार महासंघ अध्यक्ष से जाना, अब बाकी रह गए तो बीजेपी पार्टी, जो क्या कहते हैं पार्टी के लोग, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है, क्या बिगड़ी बैंकों की व्यवस्था के बारे में कहते हैं, आइए जानते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार ने जिस कल्पना के साथ नोटबंदी का प्रस्ताव पूरे भारतवर्ष में पारित किया है, उसके परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में